अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सोनी मोनी रीडर्स। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानिब की 7 बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिल को लगने वाली एपिसोड, हसीन तरीन एपिसोड है। और अब कहानी जो है वो बहुत ही मज़े के ट्रैक पर जाने वाली है। तो यकीनन आज की किस्त पर कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम के चलती हूँ मैं किस की तरफ, नावल हमारे जानिब बाय एस मरवा मिर्ज़ा नावल्स। तो एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आई मिस यू सो मच मामू। वो बेड पर आकर सोने लेटी ही कि आलियन की कॉल पर फौरी रिसीव करते ही उठ बैठते रोई सी आवाज़ में मिनमिनाई, जिस पर अपने ऑफिस में काम करता आलियन भी मुतफक्कर हुआ। आई मिस यू टू, मेरा बच्चा ठीक है? आलियन की नर्म सी यकीन दहानी पर वो अपनी आँख से बहते आंसू जल्दी से बूंझ गई। अगर मामू को बताती वो क्यों उदास है तो आलियन फौरन इसे वापस लेने आ जाता। जी मामू ठीक हूँ, बस 2 साल से कभी आपसे इतने दूर नहीं रही तो घबरा गई हूँ। एंड यू आर माई बैड हैबिट। अब तक जाले का लहजा भीगा था जबकि आलियन ने रोलिंग चेयर से उठते ओपन विंडो के पास आ रुकते स्माइल दी। यस आई एम, बताओ कब आ रही हो वापस? तुम्हें पता है 1 वीक तक तुम्हारे एग्जाम्स हैं, इसलिए जल्दी काम ख़त्म करो और वापस आ जाओ। मैं खुद भी बहुत उदास हूँ तुम्हारे बिना। मामू की बातें जाले को और रुला रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी अरमान से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। बस तकलीफ इस बात की थी कि इस शख्स ने रोकने के लिए आज भी गलत हर बार चुना था। मामू मैं आपसे भले वक्ती दूर हो भी गई, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, तो आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। इसकी तमहीद आलियन के लिए सुननी और सहनी दोनों मुश्किल थी। क्यों मेरा दिल दहला रही हो? अरमान फिर से तुम्हें मुझसे छीना चाहता है क्या? आलियन के अंदाजे पर जाले की आँखें अंगारा हुई। किसी को यह हक नहीं दिया मामू कि कोई मुझे आपसे छीने। कोई कुछ भी चाहे और करे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ठीक है ना? आप कभी भी मेरे लिए सिक्योर नहीं होंगे, प्रॉमिस। वो आज डराने वाली तमहीदें बांध रही थी, और अगर आलियन अपने किसी डर या तकलीफ का जिक्र करता तो उसकी लाडली और परेशान होती, तभी उसकी मान ली। मेरी जान, ये इनसिक्योर होने का मामला बस में नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तुम्हें पता है मुझे वादे करने पसंद नहीं। जल्दी से वापस आकर मेरे सीने लगो ताकि ये जो मेरा दिल डरा दिया है ना, ये बेहतर हो। अब सो जाओ मेरा बच्चा, अपनी सारी टेंशन मुझे देकर। पर वह हंसी होती सर हिला गई। आलियन से बात करके दिल और कमज़ोर हो गया। तभी फ़ोन साइड मेज पर रखे वो लेट कर करवट बदल गई, और तभी अरमान उसके कमरे में आया। उसे करवट पर सोया देखे वो चलता हुआ जाले के पास आ रुका। आहट पर वो पलटी तो अरमान को देख कर हैरान सी उठ कर बैठी, जो फ़ौरन से वापस पलट गया। उसके मुंह फेरने पर जाले को और रोना आया, लेकिन ये तो अरमान जानता था जाले से मुंह फेरना कितना मुश्किल है। मैं देखने आया था कि तुम सो रही हो या नहीं, अरमान ने लहजे को मजबूत किया तो वो अजियत से हाथों को आपस में मसलती मुस्कराई। सो जाऊंगी, जाले स्पार्ट थी। अरमान ने वापस रुख ज़रा फेरा और फिर हिम्मत की उसके पास ही बिना नज़र इस पर डाले बैठा। जाले ने आंखें उठाकर लाला को देखा जो सामने गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमाए हुए था। आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं यहाँ से जब गई थी बहुत शदीद डिप्रेशन का शिकार थी, आपको और दादी जान को खबर भी नहीं होने दी। मेरा मामू के साथ जाने का फैसला भी इसलिए था कि मैं अभी मरना नहीं चाहती थी, और ऐसा ही हुआ। 2 साल उनको और उनके डॉक्टर को मुझे ठीक करने पर लग गए, और आप चाहते हैं मैं फिर यहाँ आ जाऊँ, मारना चाहते हैं। वो सब सह गया, लेकिन जाले के आखिरी 3 लफ्ज़ अरमान की आंखों में सुर्खी उतार लाए। वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। तुम्हें मारना होता तो तुम्हारी इस कातिला माँ की कोख में ही मार देता। तुम मेरी वजह से डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन दादी जान ने तो सीने से लगाकर प्यार किया हमेशा। किस चीज़ की कमी नहीं होने दी मैंने तुम्हें, 18 साल तुम्हें मैंने, फिर किस चीज़ का डिप्रेशन था तुम्हें? वो खतरनाक हद तक हकीकत पसंद था, जबकि जाले बस तासुफ से अरमान को ही देखती रह गई। आपने ना कभी मेरा माथा चूमा, ना कभी गले लगाया, सिर्फ मेरी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करना काफ़ी नहीं था। मैं शिकायत नहीं कर रही लाला, बस वो पॉइंट समझाने की कोशिश की है जो मेरे लिए ज़िंदगी और मौत की तरह हो गया था। मैं 2 साल पहले तक मामू को ना जानती थी ना इनसे मिली थी, लेकिन पहली ही मुलाकात में उन्होंने मेरा हाफ डिप्रेशन भगा दिया। मुझे डर लगता है इस तनहाई से जो मैंने 18 साल इस कमरे में काटी है, वो भी आ समझ लें। वो अपनी बात पहले तो कहने की हिम्मत भी नहीं रखती थी, लेकिन आज इसने सब बआसानी कह दिया। ज़िशान, वो तनहाई फील नहीं होने देगा तुम्हें, ज़िशान वो तन्हाई फील नहीं होने देगा तुम्हें। मुझे नहीं पता तुम 2 की 8 मुलाकात किस हद तक संगीन रही, लेकिन वो मेरे लिए अगर खास तरीन इंसान है दुनिया का, तो तुम्हें उसके लिए फैसला लेने के बारे सोचना चाहिए। वो लाला के जवाब पर वो हंसी हुई। जो हिलाप से जुड़ा है इसे कोई ऐरा गैरा पूरा नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे शादी के बारे भी सोचना भी नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है। वो मुँह फेर गई।
वो ऐरा गैरा नहीं जाले, ना ही तुम्हारे आलाते चुरा ही चुरा लेगा। वो अरमान के तप जाने पर आंखें रगड़ती मुंह फेर गई। कब तक आखिर लाला मेरे अंदर अपनी कमी दूसरे गैर जरूरी लोगों और चीजों से पूरी करते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी आपका वो दोस्त 2 साल पहले तक बहुत महजब था, लेकिन माफ करें अब वो किसी लायक नहीं है। मुझे ऐसे लोग शदीद बुरे लगते हैं। मैं कल वापस जा रही हूँ। आपका काम तो हो गया, कर लिया आपने निकाह, खुदा जाने इस बेचारी लड़की का क्या होगा। साले ने अरमान का गुस्सा भड़का दिया। वो उठा तो जाले दम साध गई। तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई? अरमान की आवाज गराने सी हुई तो जाले ने आंखों में अटके शबनम गालों पर सरकने से पहले रगड़ कर भीगी सी सांस ली। किस हक से रोकेंगे? वो आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे अपने हक का प्रचार करने की जरूरत नहीं। जिशान से मिलो, उसकी नेचर जानो। असल दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जो इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर रही हो। तुम्हारे लिए वो आलेन जहाँ चिराग लेकर भी ढूंढे तो जिशान जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अरमान की सारी तरफदारी अपने यार की तरफ थी। ये देखकर जाले और जल रही थी। इस जैसा ढूंढना भी क्यों है? माफ करें लेकिन उसकी नजदीक शादी का मकसद बस किस है? रही बात लड़के की, मेरे यूनिफेलो से मिलकर आपको अपने कहे पर पछताना पड़ेगा। साउथ कोरिया के अमीर तरीन और खूबसूरत लड़के मामू की जेब में पड़े हैं। जाले की तकरार पर अरमान तंजिया मुस्कुराया। अच्छा, वो खूबसूरती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा अमल दखल है? खूबसूरती और दौलत तो ले आएगा वो आलेन जा, लेकिन किरदार और सीरत क्या खुद ट्रांसफर करेगा इन चिकने लौंडों में तुम्हारे लिए? अरमान के इस दर्जा साफ गो होने पर वो लिहाब परे करती उठकर उसके सामने आई। किरदार और सीरत, ये दो आपके बेस्टू के अंदर से भी नापैद है, तो फिर क्या फर्क रह गया? चले माना कोरियन लड़के प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और आपका दोस्त रियल प्यारा है, शक्ल को क्या चाटूंगी मैं? मुझे तो सदमा इस बात का था कि वो इतना बेशरम, बदतमीज और बेबाक आदमी अब तक आपका दोस्त है कैसे? जाले के दमदार एतराज पर लम्हा भर अरमान चुप हुआ जैसे कोई पर असर लफ्ज ढूंढ रहा हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां शक्ल और अच्छी अपीयरेंस को प्रेफर देती हैं जाले, तुम कहां से बुढ़ी रूह पल्ले पड़ गई हमारे? जब कुछ पूरा असर ना ढूंढ सका तो बुखलाहट में यही बड़बड़ा गया। लम्हे में जाले का मूड बदला। मैं अपने लाइफ पार्टनर को आप और मामू जैसा इमेजिन करती हूँ। बेवक्त जरा भी बेबाक ना हो, केयरिंग हो, अपने कहे हर हर लफ्ज पर एहतियार हो, बहुत सा सॉफ्ट एटीट्यूड हो, अपनी अहमियत मेरे दिल में अपने अमल से जगाए, वो पूरी दुनिया से मुझे एक अलग जगह पर रखे, वो मुझसे बोले तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस ना करूँ। लेकिन आपके दोस्त के साथ ऐसा कुछ फील नहीं किया और ना ही कर पाऊंगी। अरमान की चिड़ लम्हे में नरमी बनी। वो ऐसा ही है, आज जिस शान से तुम मिली वो उसका वो रूप था जिसको वो दुनिया के लिए ऑन रखता है। तभी कह रहा हूँ मिलो इससे, तभी खुलेगा वो तुम पर। अरमान की नरम सी हिदायत पर वो धीमा सा मुस्कुराई। मुझे क्लिक ही नहीं किया वो, मैं उसकी टाइप की नहीं। मुझे अपने पास रोकने के लिए आपको ऐसी किसी मेहनत और जतन की ज़रूरत नहीं। वो वापस मैट्रेस पर जा बैठी। कैसे रुकोगी? वो नजरें फेरे अजनबियत से बड़े अंदाज में बोला, पर जाले की आंखों में तिरगी उतर आई। मेरा माथा चूमकर गले लगाकर कहे कि जाले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास रह जाओ। जाले ने मुस्कुराती हसरत के संग शर्त तो बताई, पर अरमान ने इसे यूं देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी ऐसी फजूल बकवास की तुमने। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी हो जिसे तोक की तरह गले में लटकाने की आदत हो चुकी है, और मैं ठहरा आदत का मारा। अरमान मजीद कुछ कहने के बजाय वहां से चला गया तो जाले फीका सा मुस्कुरा कर वहीं लेटी। अगर आप ये कह दें तो खुद गर्ज बनने को तैयार हूँ। आपके इस नमूने दोस्त से शादी भी कर लूँगी और आपके पास लौट भी आऊँगी। हाँ, मामू को नहीं छोड़ूंगी, आधी आपकी आधी आलेन जाके, वो मेरी खुशियों के लिए कंप्रोमाइज़ करना जानते हैं। दरवाजे में अरमान के कदम थमे थे, वो पलटा मगर फिर बिना कोई जवाब दिए बाहर चला गया और दरवाज़ा भी ठक करके बंद कर गया। जाले की प्लानिंग अपनी जगह पर ये तो थी, पर जाले जानती न थी कि अरमान के जिशान का एक बार हक मुसलत हुआ तो जाले को अपने सिवा किसी का नहीं छोड़ेगा, ना आलेन का ना अरमान का, फिर वो पूरी जिशान हैदर मलिक की होगी। अपने रूम में रत जगे की शुरुआत में फंसा जिशान कुछ ऐसी ही ला यानी सोचों में गर्क था। यूनी वो घर के टब्बर से जान छुड़वाए आई और आते ही इसने सबको बताना शुरू किया कि वो अरमान शराजी की वाइफ है। कुछ स्टूडेंट हसरत में डूबे, कुछ हैरत और कुछ हसरत। कई ने ये प्रैंक समझा, पर अनिया का अंदाज ऐसा था कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता। यूनिवर्सिटी के मैथ प्रोफेसर ने मोहतरमा को एक लिपस्टिक दी थी, शौहर बनकर एज अ मुंह दिखाई, जबकि मुंह लगाना तो भूल गए थे। फिर भी वो वही लिपस्टिक लगाकर पूरी यूनिवर्सिटी के साइंस और मैथ डिपार्टमेंट में डंडोरा पीट चुकी थी कि वो मिसेज अरमान है। ये क्या डंडोरची की तरह बदनाम कर रही हो मुझे? वो उसे ऑफिस में बुला चुका था, शदीद गुस्सा था। ये तो मुझसे शोही से धोखादेही के संग शादी करने से पहले सोचना चाहिए था अरमान सर। वो बेबाक थी, बेजा झुकना तो आता ही ना था।
ये जो हर बात दिल पे लगा लेती हो, कभी मुझे लगा कर देखो तो मजा आ जाए। अरमान के अंदर का कीड़ा जो चाहत कर रहा था, अरमान का दिल चाहा जमीन खोद कर अंदर समा जाए। कौन सा धोखा, सबके सामने बैंसों की तरह हाँक रहे सर तुमने ही हिलाया था। वो अपनी चेयर से उठता, उसके मुकाबले रुका तो अनिया जरा दो कदम पीछे हुई। आज तो खुद भी होंठों से शख्स की खुशबू चिपकाए फिर रही थी, तभी नाक से भी उसे महसूस करना दुगना रिस्क था। जबकि अरमान की टाइट शर्ट जो उसके मसल्स को हया कर रही थी, अनिया को सहत बुरी लगी। हालांकि वो बिल्कुल चिपकी भी ना थी पर बहुत अच्छी फिटिंग में थी। ब्लेजर भी अपने ऑफिस में उसने उतार रखा था। हाँ तो अच्छा थोड़ी लगता है, निकाह हुआ मुअज्जज और उम्र में बड़े थे मुझसे, जब उन्होंने पूछा तो मुझे इनकार करना बदतमीजी लगी। हाथ दोनों अपने पीछे बांध कर मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देते बताया तो अरमान सरता पैर घूम कर रह गया। खैर अब तुमने हर तरफ धूम मचा दिया है तो बात सुनो। वैसे भी निकाह पर काफी लोगों ने तुम्हारे बारे बातें बनाई क्योंकि तुम्हारी और जिशान की शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, इसलिए इन सब की जुबानें बंद करने के लिए मैं रुखसती करवा रहा हूँ। गेट रेडी, शाम तक हम आएंगे मलिक हवेली। इस सिलसिले में अरमान ने अनिया पर ऑफिस की छत गिराते वापस रुख फेरा। रुखसती के बाद जो करते हैं इससे तो आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं मिस्टर, तो फिर सिर्फ दिखावे के लिए मुझे कैद करने से कौन सी चस मिलेगी आपको? आजाद पंछी हजम नहीं हो रही इस जालिम दुनिया को। मैं गुस्से डर और सदमे में आती वो क्या बक गई, इसका अंदाजा से अरमान के पलट कर कहना गूड़ने पर हुआ। मेरा मतलब है मुझे आर्मी वाली ट्रेनिंग जैसा महसूस होगा आपके साथ। प्यार नहीं है आपको मुझसे? फिर हम साथ रहकर एक दूसरे को टॉर्चर और इरिटेट करेंगे। दुनिया की बातों से मत डरें, अपना और मेरा कंफर्ट देखें। वो अरमान को देखते जल्दी से गड़बड़ाहट में मुबतला बोली तो वो उसकी तरफ बढ़ा। अनिया को अपनी तरफ आता नजर आया तो उसकी हथेलियों से नमी फूटने लगी। मुझे प्यार नहीं पर तुम्हें तो मुझसे है प्यार, तुम हमारे साथ कोई इरिटेशन और टॉर्चर कैसे बनने दे सकती हो? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरमान के लहजे से अनिया को लगा अभी वो सदमे में गिर पड़ेगी क्योंकि वो मानी हेज था। बिल्कुल गलत, मुझे कोई प्यार नहीं आपसे, कल बताया था आई हेट यू। वो घबरा कर दो कदम मजीद दूर हुई तो अरमान ने मजीद फासले को समेटना तर्क किए रुक कर दोनों हाथ जीन्स की जेबों में रसाए। अच्छा फिर तुमने लिपस्टिक क्यों यूज़ की? अरमान की गहरी नजरें ऊपर वो ग्रे आंखें वैसे ही मसामों से धुएं खारिज करवा सकती थी और अब तो इनमें मतलबी सा रंग छलक रहा था। क्योंकि मुझे शोहियाँ मारनी थी, मेरी क्लास में जा रही हूँ। वो जल्दी से पलटी मगर अरमान के पुकारने पर रुकी। शाम को हम आ रहे हैं, इट्स फाइनल, वो याद दहानी करवा रहा था। अनिया ने थूक निगलते अपना सूखता हल्क तर किया, आपके दोस्त का घर है, आपको कौन रोक सकता है? मैं शाम अपनी दोस्तों के साथ पिज्ज़ा पार्टी का प्लान बना लूंगी, सो मेरी तरफ से बाय। मजीद कुछ कहे बिना वो ऑफिस का डोर पुश करे बाहर निकल गई और अंदाज ऐसा था जैसे अरमान इसे दबोच लेगा। जबड़े बेंचते अरमान ने डोर की तरफ देखा और फूंक मारे पलटा, अपने ऑर्गेनाइज्ड बालों में हाथ फेरे उनको बेतरतीब कर दिया। ये तो मेरे हाथ आ ही नहीं रही, लूमड़ी कहीं की। अरमान ने खुद की नाहली पर भी बेचारी को कोसा, अब इन जनाब को कौन बताए कि हाथ में लाने के लिए जतन भी इंसानों वाले करने पड़ते हैं। अकड़ तो औरत सह ही नहीं सकती, वो भी मनपसंद मर्द की, सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 बजे तक जाले उठी तो शाजमा ने उसके लिए नाश्ता लगाया, लेकिन उसका मूड थोड़ा करीब के पार्क तक जॉगिंग का था। तभी बस जूस का ग्लास लेती ही वो शराजी हाउस से निकली, मगर जैसे ही गेट से बाहर निकली नजर जिम सूट में स्निकर्स जमाए रफ मगर अच्छे हुलिये में लिपटे जिशान पर पड़ी, जो स्ट्रीट के पास एक छोटी सी बच्ची को उसके पास ही दो जानों बैठे चॉकलेट दे रहा था और वो मुस्कुरा भी रहा था। बच्चे आपकी मम्मा ने नहीं बताया कि अजनबियों से कुछ लेकर नहीं खाते? जाले जो खुद भी फुल ब्लैक जिम सूट में जॉगर्स और एयरबड्स कानों में लगाए तेल पोनी लिए जॉगिंग के मूड में थी, जानबूझकर जिशान को टीज करने को बोली तो वो बच्ची हैरत से पीछे घूमी। जिशान की नजर भी जाले पर गई जो अपने फोन पर लगा सॉन्ग ऑफ करे फोन वापस जेब में घुसा चुकी थी, एक एयरबड भी उतार दिया, ये इसी की चॉकलेट थी, गिर गई थी, जाओ तुम। जिशान ने दांत पीस कर जताया तो जाले जरा सी घबराई पर फिर फौरन खुद को कंपोज किया, वो बच्ची फौरन से भाग गई। जहां तक मुझे याद है शराजी हाउस के आसपास तो कोई जॉगिंग प्लेस नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप यहाँ? एक नया एतराज तैयार था, जिशान भी उठकर उसके मद्दे मुकाबिल आया और हफीफ सा बेचैन दिखाई दी। मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी मेरा घर है, मेरे बड़ी का घर है, जिशान ने सीना तान कर जवाब दिया। बड़ी से उसकी मौजूदगी में मिलने आया करें, वो हुक्म दे रही थी। इतनी तपी हुई क्यों हो? हालांकि गुस्सा मुझे होना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए कि तुम्हें अंधेरे से निकाला मैंने। जिशान को उसकी बेमुरवती हर्ट कर रही थी, क्या पता आपने ये नेकी करने के चक्कर में पहले से ज्यादा तारीकी में झोंक दिया हो मुझे। वह हद दर्जा हसासियत के संग जिशान को लाजवाब कर गई।
तुम 2 साल में क्या से क्या बन गई हो। मुझे याद है तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकलती थी। तुम दो लोगों के बीच बैठना नहीं पसंद करती थी, खुद पर ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ पढ़ाई। 2 साल में तुम इतनी गहरी बातें करना सीख कहाँ से सीख गई, एक बिल्कुल अलग जाले बन गई हो। इतना गौर व फिक्र तो खुद जाले ने भी कभी खुद पर नहीं किया था। इन गहरी बातों के लिए गहरे जख्म खाने पड़े। आपको क्या पता जिशान हैदर मलिक, आपके लिए तो जिंदगी की गेम है मौज मस्ती, खाना पीना, सोना, अयाशी, दुनिया पर हुक्मरानी। आप किसी के लिए मुद्दतों तड़पे नहीं होंगे, आपने किसी की तवज्जो के लिए आंसू नहीं बहाए होंगे, आपने दीवारों से बातें नहीं की होंगी, आपने मामा बाबा की तकलीफ नहीं सही होगी। वैसे दर्दनाक हवाले देकर जिशान को अजीब सी तकलीफ का शिकार कर गई। मैंने वाकई जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं सही, लेकिन मैं तुम्हारे ये सब दर्द बांट जरूर सकता हूँ जाले। वो जाने लगी मगर जिशान उसके सामने पहाड़ की माने दार जमा, जिसे कहीं जाने ना देना चाहता हो, उसके रास्तों को खुद से बंद कर देना चाहता हो। मेरे दर्द वही बांट सकता है जिसने खुद ये सारी अजियत झेली हो। आप बहुत खुशबाश इंसान है, आपसे नहीं होगा जिशान हैदर मलिक। वो बेमुरवत बनी नजरें फेर गई, लेकिन जिशान ने उसकी फेरी आंखों में बहुत सा दर्द देखा, जो एक लम्हे में ही जिशान को उसके हर दर्द से आगाह कर गया। तुमसे एज में बहुत बड़ा हूँ, इसके अलावा थोड़ी बकवास ज्यादा करता हूँ, इसके अलावा कोई एतराज? वो आंखें वापस जिशान पर जमाए तल्ख मुस्कुराई। आप शादी बस किसके लिए करने वाले इंसान हैं, जाले ने जताया। जिशान बेख्तियार मुस्कुराया। हाँ, वो मुस्कुराते हुए दुनिया के धंधे कुछ पल रोक सकता था। सीरियसली जाले, तुम्हें टीज कर रहा था क्योंकि शक था तुम अरमान की बेजी का रेंदी हो, वरना किसी में जरूरत कहाँ मुझे किडनैप करने या करवाने का रिस्क ले। और देखो असलियत कैसे जानी कल फिर मैंने, इसलिए तुम मुझ पर नामुनासिब तशद्दुद भी कर चुकी हो अगर तुम्हें याद हो तो। वो पुरएतमाद थी पर इस हमले का सोचे जल्दी से आंखें जेरक कर गई। हाँ, उसके लिए वो थोड़ी शर्मिंदा थी। हाँ, वो सच में नामुनासिब था, आई एम सॉरी। वैसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बस एक जनरल बात की थी। इस ओके फिर बताओ क्या करूँ, कि तुम मुझे या मेरे होने को कंसीडर करो? जाले उसके सवाल पर वापस उसको देखने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, 1 वीक तक मेरे एग्जाम्स हैं, मैं वापस कोरिया चली जाऊँगी। अगर इस बीच लाला की रुख्सती होती है तो ठीक, वरना मैं शायद उनकी शादी पर भी ना आ सकूँ। हैव अ गुड डे। वो अपना फैसला सुनाकर सास से गुजर गई, मगर जिशान इसे पुकार बैठा। ऐसे मत करो, मुझे अपना हमदर्द बना लो। आई प्रॉमिस तुम्हें मेरे होते आल एन जहाँ को कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। इवन मैं तो सोच रहा हूँ अपन भी तुम्हारे साथ कोरिया निकल लूँगा। कैसा? वो बेख्तियार पलटी, ये जानते हुए कि वो मजाक कर रहा है। वो उसके पास आ रुकी। साले की आंखों में बेयकीनी सुर्खी ले आई। खाए मेरी कसम, वो बिना सोचे बोल पड़ी। जिशान ने सच में मजाक किया, पर जाले की आंखें देखकर उसका दिल चाहे इस मजाक को सच कर दे। नहीं खा सकते ना, आई नो। आप मेरे लिए अपना मॉडलिंग कैरियर, अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर एक नए मुल्क नहीं जा सकते, ना ऐसा कभी लाला होने देंगे। तो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से एक सीधी लाइन पर आई है, मुझे फिर से गलत फहमी और हसरतों को पहाड़ पर चढ़ाने की कोशिश मत करें। मैं वही जाले हूँ जिसे आप बच्चा समझते और कहते थे। आई एम नॉट योर वाइफ मटीरियल, आई एम सिंपल गर्ल जो शायद अभी किसी चमकती चीज़ की तरह आपको अट्रैक्ट कर भी ले और जल्द बोर कर देगी। आप ग्लैमर की दुनिया की आदी हैं, आपको मेरी सादगी खा जाएगी। बहुत सा दर्द था जाले की आंखों में कि जिशान इसे इस बार जाने से रोक ना सका, लेकिन जब वो चली गई तो वो बेख्तियार मुड़कर उसको जाता देखने लगा। वो 20 साल की छोटी सी लड़की 32 साल के जिशान हैदर मलिक को कहीं का ना छोड़े जा रही थी, और वो पथराया हुआ इसे बस जाते देख रहा था। उसके हवास मफलूश थे, वो जाले के ऐसे शहर में जकड़ा जा चुका था जिसकी से खुद भी उम्मीद ना थी। जी जनाब, तो बहुत ही स्वीट और प्यारी और थोड़ी थोड़ी संजीदा सी एपिसोड कैसी लगी आपको? अब मुझे बताएं, क्या जाले क्या फैसला लेगी? क्या उसे जिशान अट्रैक्ट करेगा, या वो उसके लिए हाँ करेगी वो अरमान के साथ रहने के लिए, या उसका एक लफ्जी इजहार पाने के लिए, या उसका थोड़ी सी तवज्जो शफकत पाने के लिए क्या वो जिशान मलिक से शादी कर लेगी? तो अच्छे अच्छे तुक्के लगाएं भाई, अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इवनिंग होने वाली है, रुखसती की डेट फाइनल होने वाली है जो इसी वीक में होगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं 8 एपिसोड में। अच्छा सा रिस्पॉन्स दें इस नावल पर, ये नावल मैं बहुत ही दिल से लिख रही हूँ और आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है। अच्छा लाइक कमेंट शेयर कर दें इसे। मिलते हैं फिर 8 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और सेफ रहिए। बाय बाय।